रही है क्राइम स्टोरी। सहारनपुर के सरसाव में तिलक राम सैनिक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्काउट गाइड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकालीन स्थिति में ग्राउंड जीरो पर जाकर किस प्रकार सहायता करें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। तिलक राम सैनिक गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरसाव में स्काउट गाइड शिविर के तीसरे दिन कॉलेज के डायरेक्टर ने कॉलेज के बच्चों को कैप और बैच लगाकर सम्मानित किया। स्काउट गाइड की दीपमाला चौधरी ने मार्च पास और कदम ताल सिखाई। इसके अतिरिक्त कैंप में फायर के अभ्यास के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की गई। वहीं अनिल भारद्वाज ने बताया कि उनके नेतृत्व में 150 बच्चे राष्ट्रपति और 5000 लड़के लड़कियां राज्यपाल से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें तिलक राम सैनिक गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं का नाम जल्द ही राज्यपाल अवार्ड के लिए भेजा जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर के सरसावा से संवाददाता ने सैनिक की रिपोर्ट। बैठे हुए हैं और अपने स्काउट गाइड का 3 दिवसीय जो प्रोग्राम हमारे यहाँ कक्षा तक चलेगा उसमें मिलजुल कर सहभागिता से काम कर रहे हैं और मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि वो मिलजुल कर काम करें और जो भी स्काउट गाइड में उनको अच्छी चीज़ें सिखाई जाएं वो उनको जीवन में ग्रहण करें और उसका हमें उसका भरपूर लाभ उठाएँ। स्काउट गाइड में हम बच्चों को तैयार करते हैं, इसके बाद जो बच्चे समाज सेवा शिविर कहीं मेले में एक्सीडेंट हो जाता है, रेल एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन रोवर रेंजर्स को हम आप भेजते हैं और जो बच्चे अच्छा काम करते हैं इनको हम लोग यह राष्ट्रपति अवार्ड तक चैलेंज करते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसी है भारत स्काउट गाइड की और उसके बाद जिन बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाता है, गवर्नर अवार्ड मिलता है हमारे यहाँ, उन तो बच्चों को सरकारी नौकरी के अंदर बैठे दिया जाता है, उनको रेलवे के अंदर, पुलिस के अंदर, रोडवेज के अंदर, बीटेक में, एमटेक में सब जगह इसका बैठे है।